तो फ्रेंड्स फाइनली ऑडियो जंप हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कहनात दिवल। आप सबका मेरे चैनल कहनात दिवल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आइए आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की ठंडी, बताइए। वैसे तो ठंड में बहुत मज़ा आता है, मेरा तो फेवरेट सीज़न है, लेकिन ठंड में बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरा भी कल से गला दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है गले में। तो बस आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, गर्म पानी पीजिए और गर्म कपड़े पहन के रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। वैसे बच्चे अपना ख्याल खुद रख लेते हैं तो बस बच्चों का भी ख्याल रखिए, बाकी तो जो होना है वो होके रहेगा। और ठंडी को एंजॉय कीजिए। सभी बच्चों को छोड़ के स्कूल से आई थी और सोचा कि चलो सलाम दुआ भी कर लिए जाए। और फ्रेंड्स सर्दी में रूम भी बहुत फैलता है, देखिए कितना सब फैला हुआ है। कोई बात नहीं, सब मेरी चुटकियों का काम है, अभी ठीक करके देती हूँ। पानी लगाती हूँ नहाने के लिए, जब तक पानी गर्म होगा तब तक ये मेरा काम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे फैज अहमद को ये ऑन ड्यूटी मिल ही गया है। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारी टीचर को क्या हो गया फैज? हाँ है, फैज को अब ऑन ड्यूटी मिला है। मेहनत तो तुम्हारी कहीं दिखती नहीं तो शाबाश बच्चे, फिर ऑल द बेस्ट। अब आप और ज्यादा अच्छे से रहें स्कूल में। अच्छा स्टूडेंट ऑफ द वीक में लोगे। अच्छा अरे सही है फिर तो, अरे खुश हो रहा लड़का। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने बनाए हैं ये दही बड़े, देखिए कितनी अच्छी लग रहे हैं। तो ये आज मैंने बनाए हैं दही बड़े। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज ही मैंने बनाए हैं दही बड़े। और आप तो सोच रहे होंगे इतनी ठंड में दही बड़े, तो लोग ठंड में कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, तो मैं दही बड़े क्यों नहीं खा सकती? और वैसे भी आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं है, कोल्ड ड्रिंक मुझे पसंद नहीं है। मैं ना आइसक्रीम खाती हूँ ना अब मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। एक टाइम था कि कभी कोल्ड ड्रिंक पी भी लेती थी, बट अब मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद करती हूँ, मैंने बिल्कुल छोड़ रखी है कोल्ड ड्रिंक। और एक हमारे मिलने वाले थे और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो हमारे घर आया करते थे। तो जब वो घर आते थे तो ये ऑब्वियस चीज़ है, ज़्यादातर हम लोग किसी के यहाँ भी जाते हैं गर्मी के दिनों में, लोग जल्दी से अब कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं। तो हम और मैं रेंट पे रहती थी, तो नीचे में ही हलवाई की दुकान भी थी और शॉप थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, तो हम लोग जल्दी से कोल्ड ड्रिंक उनको मंगा के देते थे। तो भाई हम उनके लिए मंगा रहे हैं, तो उनके लिए मंगाते थे तो वो हम ही को बातें सुनाती, कायना तुम कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती हो, कायना तुम कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती। इतना चिड़ मस्ती थी ना मुझे, मैं बोलती हद है यार, मतलब अगर हम तुम्हारी कोई मेहमान नवाजी कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वही चीज़ हम दिन भर खाते पीते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब कोई अगर कोई आ रहा है और हम उसके लिए चाय बना रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं ना कि हम चाय बहुत पीते हैं। पर क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है ना कि क्या ही मैं उनके लिए बोलूँ अब उनकी तारीफ में। ऐसा ऐसा वास्ता पड़ा है मेरा लोगों से, मेरा क्या सबका ही पढ़ता रहता है। ये जो लोग है ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, और ऐसा हुसा ना ऐसा हुसा है उन्होंने कि चलिए अच्छी बात है कि जो तुम्हें थोड़ा बहुत भी किसी के साथ में पी लिया करती थी अब वो मेरा टोटली बंद है। मेरा खुद से ही मन नहीं होता है तो अब मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, वरना पी लेती थी पहले तो, और थम्सअप बहुत पीती थी, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। और तो बस इसी वजह से मुझे अभी काफ़ी दिन से मन कर रहा था, इनफैक्ट मुझे जब से मैं झांसी गई थी उसके पहले से मुझे दही बड़े बनाने का मन कर रहा था, खाने का ही मन कर रहा था। और बाहर के मुझे कहीं के पसंद नहीं आते, मुझे घर के ही अच्छे लगते, बच्चों को भी घर के बहुत पसंद है, लेकिन जाने के टाइम में इतनी बिजी रही हूँ कि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। और आने के बाद भी मैं जब से आई हूँ तो वही है, क्लीनिंग में और कपड़े धोने वोने में मैं इतना बिजी रही हूँ कि मुझे इतना टाइम ही नहीं हो पा रहा था। और सर्दी है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मैंने कहा इससे पहले और बढ़े सर्दी मैं खा ही लेती हूँ, मैं बना ही लेती हूँ। तो इसी वजह से फ्रेंड्स तो मैंने आज बनाए हैं दही बड़े। अब मेरे गले का तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन हाँ जो जो पसंद हो रहा है इंसान को खा पी लेना चाहिए। और फरीद जी तो वैसे भी कहते हैं कि जो जो अच्छा लगे वो पहनो, जो अच्छा लगे वो खाओ, यही हमारा है, बाकी सब तो धरा रह जाता है। तो बस फिर फ्रेंड्स अब मैं दही बड़े की लुत्फ लेती हूँ। और फराज मियाँ पढ़ रहे हैं, रिविजन चल रहा है फराज का। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत। वहाँ से आया जय हिंद जय भारत करने।